लास्ट वीक मैंने इस वाली ड्राइंग को कंप्लीट किया था और इसकी सारी वीडियोस को मैंने रियल टाइम में रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे एक फ्री रियलिस्टिक ड्राइंग कोर्स की तरह अपलोड किया था। और आप में से बहुत सारे लोगों ने उस ड्राइंग कोर्स को देखा, ड्राइंग वीडियोस को देखा और उनसे काफ़ी कुछ नया सीखा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस ड्राइंग को बना के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग किया था और मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई कि आप मेरी ड्राइंग वीडियो से हेल्प लेके अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। और इस ड्राइंग कोर्स के लास्ट वाले पार्ट में, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं इस ड्राइंग से रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इस ड्राइंग का एक ओवरव्यू दूंगा और आपको समझाऊंगा कि आप इस ड्राइंग कोर्स और इस ड्राइंग से और कौन सी चीज़ें सीख सकते हो अगर आपने उन चीज़ों को ऑलरेडी मिस कर दिया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग। ग्रिड मेथड के बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और इस फ्री रियलिस्टिक ड्राइंग कोर्स के पहले पार्ट में मैंने आपको ग्रिड मेथड के साथ इस ड्राइंग के आउटलाइंस को ड्रॉ करना सिखाया था। बट सिंपल आउटलाइन ड्राइंग के अलावा भी आप उस वीडियो को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप और भी कई सारी और बातें सीख सकते हो। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं आउटलाइंस ड्रॉ करते टाइम क्रॉस हैचिंग टेक्निक के साथ थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग कर लेता हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से पूरा देखो, तो आप समझ पाओगे कि उस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरी चीज़ आप नोटिस करोगे कि मैं आउटलाइंस को लेफ्ट साइड से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर हम पहले राइट साइड की आउटलाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो लेफ्ट साइड की आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमें राइट साइड की ड्राइंग के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, जिससे कि ड्राइंग स्मज हो सकती है और आउटलाइंस खराब हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप उस वीडियो को ध्यान से पूरा देखो तो आप ऐसी और भी छोटी छोटी बातों को सीख पाओगे जिनसे आपकी ड्राइंग स्किल्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी और पॉलिश होंगी। डेप्थ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ड्राइंग को 3D और रियलिस्टिक दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि मैंने लाइट और शेडोज़ को इस तरह से ड्रॉ किया है कि इस ड्राइंग में काफ़ी अच्छी डेप्थ नज़र आ रही है। चाहे आप आईज़ के पार्ट्स में देख लो, चाहे फिर नोज़ के नीचे देख लो, मतलब हर जगह पे आपको अच्छी खासी डेप्थ नज़र आएगी, जिस वजह से ये ड्राइंग इतनी रियलिस्टिक नज़र आ रही है। और अगर आप अपनी ड्राइंग में डेप्थ को सही से नहीं दिखाओगे तो आपकी ड्राइंग फ्लैट नज़र आएगी। और जैसे कि आप में से बहुत सारे दोस्त हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि उनकी ड्राइंग उभरी हुई क्यों नज़र नहीं आती, तो इसका मेन रीज़न यही है। तो डेप्थ को अच्छे से कैसे दिखा सकते हो, इसको समझने के लिए आप इस कोर्स के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को खास करके ध्यान से देख सकते हो। और अगर आप रियल टाइम में भी वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप खुद अपने आप भी समझ जाओगे कि लाइट और शेडोज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं डेप्थ को दिखाने के लिए। डेप्थ के साथ ही अगर आप इस ड्रॉइंग में नीचे हेयर के पार्ट्स को देखो और दोनों हैंड्स के पार्ट्स को देखो तो आप देखोगे कि ये दोनों चीज़ें, हैंड्स और हेयर, काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फोकस नज़र आ रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लरी नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इस ड्राइंग की रियल टाइम वीडियोस को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से सीख पाओगे कि आपको आउट ऑफ फोकस ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए शेडिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप इन वीडियो से सीख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको डेप्थ के बारे में बताया, तो डेप्थ को दिखाने के लिए ज़रूरी होती हैं लाइट और शेडोज़, और लाइट और शेडोज़ को ड्रॉ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग वैल्यूज़ को ड्रॉ करने की। और अलग अलग वैल्यूज़ का मतलब होता है कि कहाँ पे शेडिंग कितनी लाइट करनी है या फिर कितनी डार्क करनी है। और लाइट और डार्क शेडिंग करने के लिए हमें लाइट और डार्क ग्रेड की अलग अलग पेंसिल्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अगर आप इस ड्राइंग की सारी रियल टाइम वीडियोज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप इस चीज़ को आराम से समझ सकते हो कि मैंने कौन सी वैल्यूज़ के लिए कौन सी ग्रेड की पेंसिल्स को यूज़ किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाना चाहते हो। तो अगर आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स हैं, बिकॉज इस ड्राइंग में हमने बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स को ड्रॉ किया है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और उनको ड्रॉ करने के लिए हमने हाइलाइट्स को बनाया है। बट आप इस ड्राइंग कोर्स में ये सीख सकते हो कि अननेसेसरी हाइलाइट्स को भी ड्रॉ नहीं करना चाहिए। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैंने जितनी ज़रूरत थी उसी के हिसाब से हाइलाइट्स को ड्रॉ किया है। अननेसेसरी ही वाइट जेल पेन या फिर टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से हर कहीं पे ही हाइलाइट्स ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की है। तो इस चीज़ को भी आप इन सारी वीडियो से सीख सकते हो कि आपको अननेसेसरी हाइलाइट्स को भी ड्रॉ नहीं करना चाहिए। जितना रेफरेंस फोटो में दिखाई दे रहा है, जितनी ज़रूरत है, बस उतना ही ड्रॉ करना चाहिए। लास्ट और सबसे अच्छी चीज़ जो आप इस ड्राइंग कोर्स से सीख सकते हो वो है पेशेंस।
मुझे इस ड्राइंग को बनाने के लिए लगभग 30 आवर से ज़्यादा का टाइम लगा। हालांकि लास्ट में मैंने भी थोड़ा जल्दी जल्दी में ही इस ड्राइंग को कंप्लीट किया, बट फिर भी 30 आवर्स का टाइम काफ़ी होता है और अच्छे रिजल्ट के लिए इस तरह से पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी चीज़ की बिगिनर्स में कमी होती है। बिगिनर्स को बहुत जल्दी होती है ड्राइंग को कंप्लीट करने की और इसी जल्दी में वो डिटेल्स पे, वैल्यूज़ पे, डेप्थ पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते और फिर उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस ड्राइंग कोर्स की सारी रियल टाइम वीडियोज़ को पूरा देखो और ऑब्जर्व करो तो आप समझ पाओगे कि इस तरह की रियलिस्टिक ड्राइंग को बनाने के लिए पेशेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप इस ड्राइंग और इस ड्राइंग कोर्स की सारी वीडियोस को देख के सीख सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप और किस सेलिब्रिटी की ड्राइंग को देखना या फिर सीखना चाहते हो, और मुझे सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही और वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।